ये खबर है सूरत की। गुजरात की वित्तीय राजधानी और भारत में हीरा और कपड़ा व्यवसाय का केंद्र सूरत बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों को आकर्षित करता है। यात्री यातायात के शानदार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमापन पतन प्राधिकरण AAI 353 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ हवाई अड्डे के समग्र विकास की दिशा में व्यापक रूप से काम कर रहा है। विकास परियोजना में मौजूदा टर्मिनल भवन का 8,474 वर्ग मीटर से 25,520 वर्ग मीटर का तक विस्तार शामिल है। टर्मिनल भवन से विस्तार के अलावा 5 पार्किंग बे से 18 पार्किंग बे तक एप्रेन का विस्तार और समानांतर टैक्सी ट्रैक 2,905 मीटर गुनिया 30 मीटर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। परियोजना के पूरा होने के बाद नया अत्याधुनिक विस्तारित टर्मिनल भवन व्यस्त समय के दौरान 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिससे वार्षिक यात्री क्षमता 2.6 मिलियन हो जाएगी। सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस टर्मिनल भवन में 20 चेक इन काउंटर, 5 एरो ब्रिज, इन लाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम आने वाली यात्रियों के लिए 5 कन्वेयर बेल्ट होंगे। नए टर्मिनल भवन में 475 कारों की क्षमता वाला एक पार्किंग क्षेत्र भी होगा। टर्मिनल एक 4 सितारा ग्रू रेटेड ऊर्जा कुशल भवन होगा, जिसमें स्थिरता सुविधाओं के साथ होगा। टर्मिनल भवन के अंदरूनी भाग गुजरात की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। टर्मिनल भवन के विस्तार का 58% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और भवन 31 दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सूरत हवाई अड्डा देश भर में बड़ी संख्या में व्यापारिक समुदाय को पूरा करता है, क्योंकि यह देश भर में 16 शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे का नया विश्व स्तरीय टर्मिनल भवन इस औद्योगिक शहर से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।